हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक कैट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट्स इन एचटीएमएल। कई बार हमारे पास इस तरह का डेटा होता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है कि उस डेटा को हमें लिस्ट फॉर्मेट में अरेंज करना होता है। तो लिस्ट की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डिस्प्ले करा सकते हैं, इसीलिए लिस्ट बहुत हेल्पफुल है। और एचटीएमएल में हम थ्री टाइप्स के लिस्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है और ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम ओएल टैग का यूज करते हैं। ओएल टैग पेयर्ड टैग है, तो इसमें ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। और यहाँ पे जो लिस्ट आइटम है उनको ऐड करने के लिए हम li टैग का यूज करते हैं। इसमें टाइप एट्रीब्यूट होता है जिसकी हेल्प से हम डिफाइन करते हैं कि हमें किस तरह की ऑर्डर लिस्ट चाहिए है। बाय डिफॉल्ट जो नंबर लिस्ट होती है वो आती है, लेकिन हम इसमें अपना टाइप भी बता सकते हैं। जैसे अगर हमें कैपिटल लेटर्स चाहिए, कैपिटल अल्फाबेट चाहिए, तो हमें लिखना होगा टाइप इज इक्वल टू कैपिटल ए डबल कोट्स में। और अगर हमें लोअर केस लेटर चाहिए तो सेम हम वहां पे स्मॉल ए लिख देंगे। इसी तरीके से हम अपर रोमन लेटर दे सकते हैं और स्मॉल रोमन लेटर्स दे सकते हैं। और जो सेकेंड एट्रीब्यूट होता है वो होता है स्टार्ट एट्रीब्यूट, जहाँ पे हम बताते हैं कि हमारी लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम स्टार्ट नहीं देते हैं तो वन से ही स्टार्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट लिस्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है अनऑर्डर लिस्ट, जहाँ पे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। और इस लिस्ट को हम यूएल टैग से डिफाइन करते हैं। ये भी एक पेयर टैग है, तो यूएल टैग होगा और क्लोजिंग टैग होगा यूएल। आइटम को हम यहाँ पे एलआई टैग से ऐड करेंगे। और क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है तो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होती है, तो टाइप में हम यहाँ पे सर्कल या स्क्वायर दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है वो बुलेट्स आते हैं, जो अभी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। जो नेक्स्ट लिस्ट है वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसे हम डेफिनेशन लिस्ट भी बोलते हैं। इसे हम डीएल टैग से डिफाइन करते हैं और डीटी टैग से हम टर्म डिफाइन करते हैं कि किस टर्म को हमें डिफाइन करना है। तो बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, जो डेफिनेशन लिस्ट है, वहां पे हम हर एक टर्म का डिस्क्रिप्शन देते हैं, मींस डेफिनेशन देते हैं। तो डीएल टैग से हम लिस्ट को डिफाइन करेंगे, डीटी टैग के अंदर हम वो टर्म लिखेंगे जिसे हमें डिफाइन करना है, और डीडी के अंदर हम उसकी डेफिनेशन देंगे, मींस डीडी टैग के अंदर हम उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो इस तरीके से एचटीएमएल में थ्री टाइप के लिस्ट होते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर लिस्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट बन जाती है। इसके लिए हमें कोई भी टाइप स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल नंबर लिस्ट बना लेते हैं। तो स्टार्टिंग में लिखेंगे ओएल टैग, क्योंकि हम ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। अब हम इसमें वन बाय वन लिस्ट आइटम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है सी, उसके बाद हम ले रहे हैं सी प्लस प्लस, एल आई को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट आइटम हम इसमें ऐड करते हैं जावा। तो इस तरीके से हम इस लिस्ट में थ्री आइटम्स ऐड कर चुके हैं। अब हम ओएल टैग को क्लोज करेंगे। तो ये हमारी एक सिंपल लिस्ट बन गई है। फाइल को सेव कर देते हैं और रन करके अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखते हैं कि इस तरह से नंबर लिस्ट हमें मिल चुकी है। अब अगर हमें नंबर लिस्ट नहीं चाहिए है बल्कि अल्फाबेट लिस्ट चाहिए है, तो उस केस में हमें टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम टाइप इज इक्वल टू ए ले लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे कैपिटल ए लिया है, तो कैपिटल ए से स्टार्ट होगा। सेव कर लेंगे हम इसे, रिफ्रेश करते हैं तो ए बी सी इस तरह से हमें मिलेगा। अब सेम कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और इसे हम
रोमन में भी चेक करके देखेंगे कि अगर हमें रोमन लेटर्स में नंबर चाहिए है तो किस तरह से हम दे सकते हैं। तो स्मॉल ए के लिए एक देखते हैं और रोमन के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कैपिटल आई। इसी तरीके से हम स्मॉल आई भी लिख सकते हैं, जैसा टाइप हम देंगे उसी तरीके से लिस्ट बनेगी। इसमें भी हम हेडिंग दे देते हैं, तो यहाँ पे हम रोमन लेटर्स की ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। सेव कर लेते हैं फाइल को, रिफ्रेश करेंगे तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जो लिस्ट है वो अल्फाबेट लिस्ट है और सेकेंड लिस्ट रोमन लिस्ट आ गई है। इसी तरीके से हम स्मॉल आई भी दे सकते हैं और टाइप के साथ साथ हम स्टार्ट एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे स्टार्ट इज इक्वल टू 3 लिया है तो ये 3 से स्टार्ट होगा, और अल्फाबेट के केस में अगर हमने स्टार्ट इज इक्वल टू 2 लिया है तो ये B से स्टार्ट होगा। तो हम देख सकते हैं कि अल्फाबेट लिस्ट B से स्टार्ट हुई है और रोमन लिस्ट 3 से स्टार्ट हुई है। तो इस तरीके से हम अलग-अलग तरह से ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम सिंपल ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं, कोई भी टाइप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट नंबर लिस्ट बनती है, और अगर हमें अल्फाबेट लिस्ट या रोमन लिस्ट बनानी है तो उस केस में हमें टाइप स्पेसिफाई करना होगा। स्टार्ट से हम ये बता सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट है उसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम यूएल टैग का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूएल। लिस्ट आइटम हमने सेम ही लिए हैं जैसे कि हमने ऑर्डर लिस्ट में लिए थे, तो सेम ही लिस्ट आइटम हम ले रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे चेंज ये है कि हमने ओएल टैग की जगह यूएल टैग यूज किया है। रिफ्रेश कर लेंगे पेज को, तो इस तरह की अनऑर्डर लिस्ट हमें मिलेगी सी सी प्लस प्लस जावा। तो यहाँ पे अगर हम कोई टाइप यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें बुलेट लिस्ट मिलती है, इसीलिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। लेकिन अगर हमें किसी और टाइप में ये लिस्ट चाहिए है तो हमें टाइप यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोनों टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले हम सर्कल देख लेते हैं, बुलेट सर्कल लिस्ट। अगर हमें सर्कल चाहिए है तो उस केस में हमें टाइप इज इक्वल टू सर्कल लिखना होगा। तो जो यूएल टैग हमने लिया है उसी में हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे टाइप इज इक्वल टू सर्कल। और इसी तरीके से अगर हमें स्क्वायर चाहिए है तो हमें स्क्वायर लिखना होगा। तो सेम कोड को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और एक और लिस्ट बनाते हैं। सेम टाइप की ये लिस्ट है लेकिन इस लिस्ट में हम स्क्वायर बुलेट यूज करेंगे। तो सर्कल के प्लेस पे हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। तो यूएल टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो हमें बुलेट्स जो है वो स्क्वायर में मिलेंगे। सेव कर लेते हैं फाइल को, रिफ्रेश करेंगे पेज, तो इस तरह का आउटपुट हमें मिलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट लिस्ट जो है वो बुलेट सर्कल लिस्ट है और सेकेंड लिस्ट में हमें बुलेट स्क्वायर लिस्ट मिली है। नेक्स्ट लिस्ट है डेफिनेशन लिस्ट, जिसको हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोलते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डीएल टैग। उसके बाद हम लिखते हैं डेफिनेशन टर्म, मीन्स किस टर्म को हमें डिफाइन करना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। और उसके बाद हम लिखते हैं डीडी टैग, जहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डीडी का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन। तो सी हमने अगर टर्म लिया है तो इसको हम वन लाइन में डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन दे देते हैं। सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
उसके बाद हम डीडी टैग को क्लोज करेंगे। अब हम देंगे सेकेंड टर्म जो हमें डिफाइन करना है। तो टर्म देने के लिए हम टैग यूज करते हैं डीटी। यहां पे हम ले लेते हैं C++। उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अंडर डीडी टैग। और C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे इसकी वन लाइन में डेफिनेशन दे देते हैं। C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद हम डीडी टैग को क्लोज करेंगे और लास्ट में जो डीएल टैग है उसको भी क्लोज कर देंगे। फाइल को सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी डेफिनेशन लिस्ट बनती है। एक डेफिनेशन टर्म होता है और उसके आगे उसकी डेफिनेशन होती है। कई बार ऐसे होता है कि हमें एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बनानी पड़ती है, मतलब कि हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं या फिर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। तो जब हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं जो कि किसी और लिस्ट के अंदर हो, तो उस लिस्ट को हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें USA, इंडिया, ये ऑर्डर लिस्ट है क्योंकि 1, 2 है इसमें, और इसके अंदर हम एक और ऑर्डर लिस्ट ही बना रहे हैं, ABCD दिया हुआ है क्योंकि, और उसके भी अंदर हम एक अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। तो जब हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं जो कि किसी और लिस्ट के अंदर बन रही है, तो उसे हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। तो अगर हमें इस तरह की लिस्ट बनानी होगी तो सबसे पहले तो हम ओएल टैग लिखेंगे क्योंकि ऑर्डर लिस्ट है, और यहाँ पे हम लिस्ट आइटम ऐड करेंगे। तो USA और इंडिया, ये दोनों आइटम हमने यहाँ पे ऐड किए। अब हम इस ऑर्डर लिस्ट को क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये ऑर्डर लिस्ट खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसी के अंदर एक और ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम ol type is equal to a लेंगे क्योंकि हमें स्मॉल लेटर में, स्मॉल अल्फाबेट में ये लिस्ट चाहिए, और उसके बाद हम इन 4 लिस्ट आइटम्स को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक और लिस्ट बनाने वाले हैं जो कि अनऑर्डर लिस्ट है, क्योंकि विले, पार्ले, वर्ली, इसमें बुलेट है और ये स्क्वायर बुलेट है, तो हमें लेना पड़ेगा ul टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। उसके बाद इन 2 आइटम्स को हम ऐड कर देंगे li टैग के अंदर, और अब हम यहाँ पे ul टैग को पहले क्लोज करेंगे, उसके बाद ol टैग को क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ पे बाकी के आइटम्स ऐड करेंगे जो कि हमारे ऑर्डर लिस्ट के आइटम है। USA और इंडिया हम पहले ऐड कर चुके हैं, अब हम ऐड करेंगे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। लास्ट में हम ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह की कोडिंग रहती है, जैसा भी आउटपुट हमें चाहिए है उस तरह से हमें कोड लिखना होगा। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि पहले वाली लिस्ट को हम तब तक क्लोज नहीं करते जब तक कि वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे कि USA और इंडिया है, तो इसके बाद हम ऑर्डर लिस्ट को क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि बाकी की जो 2 लिस्ट हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, वो इस लिस्ट के अंदर हैं। तो उनको हम लिखते हैं, फिर हम 1 by 1 क्लोज करते हैं। तो जो लिस्ट हमने पहले ली है वो सबसे बाद में क्लोज होती है। तो अब इसको हम रन कर लेते हैं HTML में। सेम कोड हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था। जरूरी नहीं है कि हम इसे इस तरह से टैब देके लिखें, लेकिन समझने के लिए हमने इसे इस तरह से लिखा हुआ है। तो सेव कर लेते हैं हम इसे। और सेव करने के बाद जो फाइल हमारी बनी है लिस्ट नेम से, उसे हम ओपन करेंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। तो सेम आउटपुट हमें यहाँ पे मिल चुका है, इसी तरह का आउटपुट हमें चाहिए था। तो इस तरीके से हम नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं, मतलब जो
तीन तरह की लिस्ट हमने डिस्कस की, उन्हीं को हम यूज कर सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट। तो इस तरह से हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।